तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख लिए होंगे थंबनेल पे कि टिकटॉक एडिटिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करें, आपको वहां पर दो सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे। एक है जो है पावर डायरेक्टर और एक है जो काइन मास्टर। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि टिकटॉक एडिटिंग के लिए है सबसे अच्छा कौन सा सॉफ्टवेयर रहेगा, और सिंपल सा सिंपल आदमी इसमें दो सॉफ्टवेयरों में से कौन से सॉफ्टवेयर को यूज कर सकेगा। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। और चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए एक छोटे से बेल इंट्रो के बाद। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाले हैं कि भाई आप टिकटॉक पे वीडियोज बनाते हैं, कोई सी भी एडिटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए काइन मास्टर बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इसे आप किसी भी तरीके की एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि काइन मास्टर के एप्लीकेशन को सिंपल से सिंपल आदमी चला सकता है। और दोस्तों, मुझे भी काइन मास्टर बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन लगता है, और एडिटिंग के लिए काइन मास्टर बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। क्योंकि दोस्तों, पावर डायरेक्टर की बात करें तो इसे सिंपल आदमी नहीं चला सकता है, और इसको यूज करने में दोस्तों उसको प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से काइन मास्टर का एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज हम छोटी सी एक एडिटिंग बताते हैं आपको टिकटॉक वीडियो की काइन मास्टर के अंदर करके। तो मान लीजिए कि आप टिकटॉक के अंदर दोस्तों आप बनाना चाहते हैं ब्लर वाली वीडियो। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन, अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, और आपके पास अगर एक DSLR कैमरा नहीं है, तब भी पर आप एक अच्छा ब्लर वाले वीडियो बना सकते हैं आप टिकटॉक के अंदर। तो चलते हैं, अभी आपको हम ले चलते हैं काइन मास्टर के एप्लीकेशन के अंदर, और वहाँ आपको हम बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं, अभी मैं चलता हूं अपने काइन मास्टर के एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने काइन मास्टर के एप्लीकेशन को सिंपली यहां पर ओपन कर लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हम काइन मास्टर के एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। और जैसा ही हमारे सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, हमें सबसे पहले आपको प्लस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर लेना होगा। और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ काइन मास्टर का ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको एक बार मीडिया ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही आप मीडिया ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ से दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड ले लेना होता है, कोई सा भी आप यहाँ पर बैकग्राउंड ले सकते हैं। अगर आपको यही काइन मास्टर के अंदर से बैकग्राउंड लेने हैं तो यहाँ से भी कोई ले सकते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड डाउनलोड कर लिए हैं, तो आप जाके वहाँ गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और चलो मान लीजिए यहाँ से हमें एक बैकग्राउंड यहाँ से अच्छा खासा है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये बैकग्राउंड मैंने सिलेक्ट कर लिया, और आपको इसमें बनाना है टिकटॉक वीडियोज के लिए ब्लर वीडियोज। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टिकटॉक पे वीडियो पोस्ट करनी है वो यहाँ पर उसको ब्लर कर लेना है। ठीक है, तब आपको टिकटॉक पे पोस्ट करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हमें लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे ही मीडिया वाले ऑप्शन में जाएंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें यहाँ से कोई सा वीडियो ले लेना है जो हमें टिकटॉक पे पोस्ट करना है और उसका ब्लर बनाना है। तो चलो हम यहाँ से अपने इसके अंदर से एक वीडियोज ले लेते हैं। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ से एक छोटा सा वीडियोज ले लिया है इस तरीके से। इसको हम थोड़ा दोस्तों रोटेट कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, और ऐसा वीडियोज हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, ब्लर करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको इसमें दोस्तों ब्लर करके दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ब्लर। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, सॉरी। मैं दूसरा वीडियो जहाँ पर अभी ले लेता हूँ उसको ब्लर करके दिखा देता हूँ। ये वीडियो दोस्तों कुछ अच्छी नहीं होगी, सपोर्ट नहीं कर रही होगी। तो चलो हम दूसरा वीडियो ले लेते हैं, इसके अंदर से देखता हूँ कि यहाँ पर वीडियो हमारे पड़े हैं कि नहीं। नहीं पड़े होंगे तब भी पर मैं आपको लोकल के वीडियो दिखा देता हूँ, ऐसे ही कोई बना के दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर आप अच्छे तरीके से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो इस वीडियो को दोस्तों हमें बनाना है, मान लीजिए तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और इस चेक मार्क के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। और चलो हम इस वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। हमें मान लीजिए दोस्तों यहाँ से ब्लर करना है इस वीडियो को। ठीक है, थोड़ा हम आपको जूम करके दिखा देते हैं ताकि आपको कोई देखने सीखने में प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड्स। तो चलो हम इसका थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों इस वीडियो को मैंने इतने पे जूम कर लिया है। अब हमें इसका बनाना है वो ब्लर वीडियो। ठीक है, DSLR की क्वालिटी जैसा दोस्तों, बिल्कुल DSLR जैसी क्वालिटी यहाँ पर हम नहीं दे सकते, लेकिन थोड़ा बड़ा हम काफ़ी अच्छा वीडियोज इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमें इसका ब्लर कैसे करना है, एक बार हमें वीडियोज के
दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लर नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बैकग्राउंड ब्लर नहीं है। अभी मैं आपको इस काइनमास्टर के एप्लीकेशन से दिखाता हूँ ब्लर करके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वीडियो पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद हमें लेयर के ऑप्शन पर जाना है। दोस्तों अगर आपके पास ये 2019 का न्यू वर्जन का काइनमास्टर नहीं है तो इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में हमें जाना है और यहाँ से बेसिक इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको दोस्तों ये ब्लर दिख रहा है पहला वाला, यहाँ पर कुछ लिखा है ग्रेजुएशन ब्लर, तो इस पर एक बार हमें क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया हमारे सामने ब्लर आ गया है इस पर, देख सकते हैं यहाँ पर। अब हमें करना क्या है, मान लीजिए कि आप टिकटॉक के वीडियो एक जगह पे खड़े होकर बनाते हैं, टिकटॉक और यूट्यूब के वीडियोज बनाते हैं, तो उसमें दोस्तों आपको ये ब्लर बहुत अच्छा दे सकता है, ठीक है। चलो हम इससे क्या करते हैं, अब थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। ये क्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है आपको, इसको थोड़ा जितने पे आपको सिलेक्ट करना है रखना है उतना आप क्रॉप कर लेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर एक रख देना है, इसमें हम आप सिलेक्ट करके दिखाते हैं आपको इस तरीके से इतने पे, ठीक है, इतने पे हमें सिलेक्ट कर लेना है। आपको फिर वही लेयर वाले ऑप्शन पे वही दोस्तों बार बार करना है और फिर इफेक्ट पे जाना है, फिर बेसिक इफेक्ट पर क्लिक करना है और गॉइस ब्लर में जाना है। अब दूसरा ये दोस्तों हमारे सामने आ गया है, अब हमें इसे थोड़ा क्रॉप कर लेना है। दोस्तों जब आपको क्रॉप की ज़रूरत पड़े तभी क्रॉप करना, वरना ज़्यादा मतलब नहीं करना, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है क्रॉप की, ठीक है। मैंने क्रॉप कर लिया और इसे राइट साइड में उठा के रख दिया, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से इसमें ब्लर करना है, ठीक है। अब फिर आपको जाना है लेयर पे और इफेक्ट पे क्लिक करना है, फिर बेसिक इफेक्ट पर क्लिक करना है, गेट ब्लर पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने पूरा ब्लर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलो अभी मैं आपको थोड़ा प्ले करके दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दोस्तों ब्लर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ब्लर जो है वो पूरे शरीर पे हो गया है, यानी कि पूरी बॉडी पे हो गया है, तो हमें किस तरीके से यहाँ से इसको हटाना है पूरी बॉडी को, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लर था वो इसे हम हटाते हैं, क्रॉपिंग कर लेते हैं थोड़ी इसकी, और जहाँ पर जिस तरीके से हमें सिलेक्ट करना है उस तरीके से यहाँ पर हम रख देते हैं, ठीक है। दोस्तों आप ऐसे ही इसमें सिलेक्ट करके रख देते हैं, इसमें आप मतलब सिलेक्ट करना है आसानी से जहाँ पे आपको थोड़ी सी भी जगह यहाँ पर दिखे। दोस्तों ये वीडियो इतना अच्छा नहीं बन सकता है क्योंकि ये एक जगह पे खड़े होकर दोस्तों नहीं इतना अच्छा खासा बना है, और आप ऐसे इसमें दोस्तों ब्लर वाले वीडियोज बना सकते हैं। एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा इसमें ब्लर देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो वैसी नहीं थी जिसमें हम काफ़ी अच्छा ब्लर देखने को मिलेगा, मतलब ब्लर देखने को मिलेगा लेकिन आपको इसमें उतना अच्छा दोस्तों नहीं मिलेगा। अगर आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पे एक जगह वीडियो खड़े होकर बनाते हैं और आपके पास एक अच्छा खासा स्मार्टफोन नहीं है और आप उससे ब्लर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दोस्तों ऐसे इससे ब्लर कर सकते हैं। और ब्लर करने के बाद आपको दोस्तों जितना वीडियो है आपका उतने साइज को ये ब्लर वाली पट्टियों को कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं ब्लर वाली वीडियो। दोस्तों मैं आज टिकटॉक में इतना ही एडिटिंग बताया है, लेकिन दोस्तों आप काइनमास्टर को किसी भी प्रकार की एडिटिंग कर सकते हैं, दुनिया की ऐसी कोई एडिटिंग नहीं है जो आपको काइनमास्टर में देखने को ना मिले। तो इस तरीके से आप इसमें दोस्तों टिकटॉक के लिए एडिटिंग का फीचर कर सकते हैं और यूट्यूब के लिए भी आप इसमें वीडियोज बनाने के लिए ब्लर कर सकते हैं उसका बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।